आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गूगल EMD एल्गोरिदम के बारे में। EMD मतलब एग्जैक्ट मैच डोमेन एल्गोरिदम के बारे में। इसके पहले जो ऊपर आपको दिख रहे हैं जैसे गूगल पांडा, पायरेट्स, पेंगुइन, मोबाइल गेडॉन, रैंक ब्रेड, ये सभी गूगल के एल्गोरिदम को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप इसके पहले के वीडियो देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गूगल EMD अपडेट। अब EMD अल्गोरिदम क्या होता है, एग्जैक्ट मैच डोमेन क्या होता है? तो देखिए, एग्जैक्ट मैच डोमेन के बारे में नॉलेज ना होने से आपकी वेबसाइट को पेनल्टी लग सकती है। अगर इससे आपको सेफ रहना है तो आपको डोमेन के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस EMD में होता क्या है। ठीक है, EMD एल्गोरिथम में ये बताया गया है कि आप किसी दूसरे वेबसाइट से मिलता जुलता डोमेन बिल्कुल भी बाय मत करिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, पॉपुलर वेबसाइट जो होती है ना, उनसे मिलता जुलता डोमेन बाय कर लेते हैं और उनको लगता है कि उस वेबसाइट में इतने सारी ट्रैफिक है और वो वेबसाइट पॉपुलर है तो हमारी ही वेबसाइट में भी ट्रैफिक आएगा। इसीलिए क्या करते हैं लोग, मिलता जुलता डोमेन बाय कर लेते हैं। जैसे कि मान कर चलते हैं मेरी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग डॉट इन करके, तो लोग क्या करेंगे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग डॉट इन कर डॉट इन या फिर डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट डॉट इन, ऐसे थोड़ा बहुत चेंजेस करके मिलता जुलता डोमेन बाय कर लेंगे ताकि उनकी वेबसाइट में भी ट्रैफिक आ सके। बट ऐसी ट्रैफिक नहीं आती, गूगल ऐसे डोमेन को जो ही अल्गोरिदम लाया है इसीलिए लाया है, गूगल EMD अल्गोरिदम इसीलिए लाया है। अगर आप EMD डोमेन को बाय कर लिए तो आपके वेबसाइट कभी भी टॉप पे नहीं आएगा। ठीक है, तो जब भी आप डोमेन बाय करें तो सबसे पहले पता कर ले कि उस नाम का कुछ और वेबसाइट तो नहीं है, ये पूरा आप सर्च करिए, उसके बाद ही आप डोमेन खरीदें। ध्यान रखिए, कोई मैच एग्जैक्ट मैच डोमेन नहीं होना चाहिए। अगर वैसे डोमेन आप लेते हो तो एक तो आपका पैसे बर्बाद हो जाएगा, सेकंड आपकी कुछ मतलब कि रैंक होगा ही नहीं। ठीक है, अब डोमेन बाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, तो एक तो मैंने अभी बता दिया, एग्जैक्ट मैच डोमेन बिल्कुल भी ना खरीदें। उसके बाद डोमेन शॉर्ट होना चाहिए, कम से कम 15 कैरेक्टर कैरेक्टर में होना चाहिए, डोमेन में एक कीवर्ड होना चाहिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, डोमेन में नंबर नहीं होने चाहिए क्योंकि वो रैंकिंग के लिए फिर दिक्कत देती है। ठीक है, अब आपको डोमेन कैसे खरीदें, कहाँ से खरीदें, डोमेन नेम कहाँ से, यूनिक डोमेन नेम कहाँ से पता करें, ये अगर आपको जानना है तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, एक वीडियो बनाया है ये वाला, इसमें आप जाकर देख सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ पे आप IGTV में चले जाइए और यहाँ पे टूल्स फॉर फाइंडिंग द परफेक्ट डोमेन नेम करके एक वीडियो मैंने बनाया है। यहाँ पे आपको यूनिक डोमेन नेम कैसे फाइंड करें ये बताया गया है और डोमेन नेम कैसे होना चाहिए, कितने कैरेक्टर का डोमेन नेम होना चाहिए, यूनिक डोमेन नेम कैसे होना चाहिए, डॉट इन, डॉट कॉम, डॉट ओआरजी टाइप डोमेन नेम क्या होते हैं, सभी की इंफॉर्मेशन इसमें दी है। तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। तो आज की वीडियो में हमने पूरा देख लिया गूगल EMD एल्गोरिथम के बारे में, साथ ही साथ ही हमने इस पूरे जो गूगल के अल्गोरिदम है उनके बारे में हमने अच्छे से चर्चा की है। अगर इनमें से अगर आपको किसी में भी कुछ डिफिकल्टी हो, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे पर्सनली DM कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।